सबसे पहले आप सबके चरण में मेरा प्रणाम, सबके चरण में, छोटे बड़े सबको। और इतने सारे बड़े बड़े विद्वान हमारे सामने बैठे हैं, मुझे बहुत डर लगता है कि कहाँ मैं शुरू करूं, क्या क्या गलती कर डालूं। एक बात मैं कह सकता हूं कि श्रीमती कृष्णा बिस जी, शी इज़ नो लेस देन माई मदर। आई हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट बिकॉज शी इज़ परहैप्स वन ऑफ द वेरी रेयर लेडी हु हैज़ परफॉर्म्ड अप टू दैट स्टैंडर्ड एंड गैदर्ड नॉलेज फ्रॉम एवरी पॉसिबल सोर्स इन आवर कंट्री टू एक्सप्लेन एंड टू लव विथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, नॉट ओनली लव। प्यार तो हम सभी करते हैं, मगर विथ अंडरस्टैंडिंग इसको प्यार करना एक बहुत बड़ी बात है। और उनके साथ मुझे बैठना नहीं चाहिए, मैं बैठा हूँ क्योंकि बैठना पड़ता है, कुछ बोलना पड़ता है। मैं जैसे हम पूरी समुंदर देखने जाते हैं, ऐसे ही मैं आ जाया हूँ समुंदर को। पूरी में रह के, एक दिन रह के घर आके बताया कि हम पूरी के समुंदर देख के आए, कुछ भी नहीं देखा। समुंदर देखने के लिए समुंदर के कुछ अंदर जाने चाहिए, अंदर जाने के लिए पूरी में 7 दिन रहना चाहिए, वो टाइम हमारे पास नहीं है। हमारे पास 1 घंटा 1.25 घंटा टाइम है। इसके अंदर संगीत को और एस्थेटिक्स पर्टिकुलरली इसको समझाना या कुछ बैन करना करीब असंभव है। पहले मैं एक बात बताऊं कि म्यूजिक, MUSIC, म्यूजिक इज ए वर्ड जो कि हमारे दिल में बताते ही, जो माँ जी बोल रही थी कि आनंद, दिल के अंदर आनंद आता है। म्यूजिक को मैं बच्चों के लिए, मतलब हम जैसे स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं, हम भी आप जैसे स्टूडेंट ही है, अभी थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू किया, कुछ हद तक गुरुओं ने सिखाया, मगर जितना सिखाना चाहे हम कुछ नहीं सीख सके, अभी सीखना फिर से शुरू किया। म्यूजिक शब्द को मुझे लगता है मस्ट इज़ ए सब्जेक्ट, मस्ट टू अंडरस्टैंड MU, द साइंस ऑफ एस्थेटिक्स एंड कल्टिवेटेड थ्रू आउट द लाइफ। MUSIC, मस्ट टू अंडरस्टैंड MUSIC, द साइंस ऑफ एस्थेटिक्स। साइंस ऑफ एस्थेटिक्स मैं क्यों बोल रहा हूँ उसको मैं आपको बताऊँगा। साइंस ऑफ एस्थेटिक्स, एनी सब्जेक्ट अगर खुद परख के देखना है तो उसको साइंस के जरिए करना पड़ता है। विदाउट साइंस नथिंग इज अवेलेबल इन दिस कंट्री। फर्स्ट वी विल हैव टू लर्न द साइंस, देन यू कैन थिंक अबाउट फिलोसॉफी। वेयर साइंस एंड्स, देयर फिलोसॉफी बिगिंस। मगर साइंस पहले जानना पड़ता है, नहीं तो फिर फिलोसॉफी के पास हम जा ही नहीं सकते। एंड कल्टिवेटेड थ्रू आउट द लाइफ, क्योंकि एक जिंदगी भी कुछ नहीं है म्यूजिक के लिए। इतना मैं समझा, पिछले करीब 64 ईयर्स आई एम ट्राइंग टू लर्न म्यूजिक। इसमें मुझे पता चला कि एक जिंदगी की कुछ नहीं है। खैर, अब लाइफ में 5 चीज हमें मिलती है फ्री, कोई पैसा नहीं लगता है। एक है फायर, दूसरा है लैंड यानी सॉयल, तीसरा है हवा, चौथा है पानी और पांचवा है स्काई, आकाश, जिसको हम संस्कृत में डरते हैं सुनने के बाद कि खेती ऑप तेज मोरुद बम, बहुत डर लगता है। छुटपन से मैं सुनते आया, मगर इसको कोई रियलाइजेशन नहीं हुआ। ये 5 चीज़ एक इंसान के अंदर होता है, तब इंसान एक जगह में पहुंच सकते हैं। अगर वो, इफ़ इट इज़ रियलाइज फ्रॉम द कोर ऑफ द हार्ट,
ये पांच चीज में आउट ऑफ दिस फाइव एलिमेंट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट फॉर आवर सर्वाइवल इज एयर हवा. जो हवा हम लेते हैं सांस के साथ वो हमें ऑक्सीजन देता है दिल में, और जो हवा हम छोड़ते हैं वो म्यूजिक बनाता है. यानी प्राण और गान, प्राण और गान. मगर ये बहुत सिंपल चीज़ हम लोगों को मालूम नहीं होता है कि हम कितने गिफ्टेड है कि एक चीज़ जिसके लिए कोई पैसा ही नहीं लगता है उसके ज़रिए हम गुलाम अली खान साहब जैसा या लता मंगेशकर जैसा कलाकार बन सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर ओनली. जो है एयर हम दिन भर पंखे पे देखते हैं, एयर कंडीशन में देखते हैं, मगर दिखता नहीं है, इसीलिए इसका कीमत अभी तक हम समझे नहीं. मगर थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा जब से पोल्यूशन वर्ड दुनिया में बहुत बढ़ने लगा, तब थोड़ा एयर का पता हम लोगों को चलता है अभी. तो जैसे माँ जी बोल रही थी गुलाम अली खान साहब के बारे में, वो बोलते थे हवा को तस्वीर बनाने का नाम गाना है, हवा को तस्वीर बनाने का नाम गाना है. हम तो नौकर है, अगर वो मंजूर करे हमारा पूजा, हवा के साथ खेलना है, हवा किसी को काबू में नहीं रहती है, अगर वो मंजूर करे हमारा पूजा तो मेहरबानी अल्लाह की. ये खान साहब हर वक्त बोलते थे. छुटपन में मैं सुना आज से 25-30 साल पहले, मगर तब भी कुछ समझ में नहीं आया. अब थोड़ा थोड़ा समझ में आता है कि हवा क्या है. तो बच्चों के लिए मैं बैठ के यहाँ सोच रहा था, सबके पास इतना नॉलेज है, सुन रहा था, मगर बच्चों तक ये कैसे आए, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. आज के सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे पास गाना अभी तक एक शौक की विषय है, इसको जीने के लिए म्यूज़िक 1% या 2% बच्चा भी लेना डरते हैं. मगर मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि पिछले 25 साल से मैं बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा समय देना शुरू किया. बाई किलिंग माई सेल्फ, बाई किलिंग माई परफॉर्मेंस, आई एम डूइंग दैट. इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि अगर 4-5 साल उम्र में, 3-4 साल 5 साल उम्र में अगर कोई सीखना शुरू करे, जिनके पास थोड़ा सुर का ज्ञान है, उनका गार्जियन को पता नहीं चलता है कि इस बच्चा कहाँ तक जाएगा, गार्जियन को पता नहीं चलता. अगर ये सही वक्त पे हो सके तो एक बहुत प्रोफेशनल स्टैंडर्ड तक गाना कोई मुश्किल नहीं है, और उस ज़िंदगी में संगीत के साथ जीना सबसे आनंदमय होता है. इसको सभी सबूत करने के लिए, सबूत के लिए मैं इस बच्चे को लाया हूँ. ही इज़ ओनली 16+. इस उम्र का, इसका नाम है अनुभव खमारू. गांव के कलकत्ते से बहुत दूर एक आमता करके, आमडांगा करके, क्या जगह, आमतला करके एक जगह है, वहाँ से आती थी, आते हैं. वो नहीं, उनका बाप आता था मेरे पास सीखने के लिए. तो बाप, उनके पिताजी हमारे पास जब आने लगे, वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी नॉर्मल, वेरी मतलब एक पुअर फैमिली से आए हैं, तो उन्होंने पूछा था कि मेरा तो गाना कुछ नहीं होगा, आप मुझे मेहरबानी करके सिखाएं, मेरा अगर बच्चा होगा तो मैं वो आपके पास दूंगा. तो उसके बाद उनको जब बेटा हुआ तो 2 साल उम्र में मेरे पास लेके आए थे. मैंने बोला नहीं, 4-5 साल होने दो. तो 4 क्रॉस किया तो लेके आए थे. वो अपने बच्चे के बारे में बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि बोले भी कुछ नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि कितना लाखों चीज़ उनको मालूम नहीं है. मगर एक बात मैं बोल सकता हूँ कि ही इज़ द बेस्ट वोकल क्लासिकल म्यूजिशियन ऑफ हिज एज इन द होल कंट्री. कभी टाइम होगा तो मैं आपको सुनाऊंगा. ये आप हर एक का ताली जो है ना, ये पैर के धूल की तरह इनके सर पे मिल जाए. आई विल बी ग्रेटफुल टू ऑलमाइटी एंड ऑल ऑफ यू. और
इसको गाना शायद कुछ कुछ लोगों ने बच्चा जब था कुछ सुना होगा फेसबुक में, और कुछ लोग बोलते थे कि भीमसेन जी का पोता है, ये भी राष्ट्र हो गया था, मगर ये ज़रूर भीमसेन जी का पोता है, मैं भी उनका बेटा ही जैसा हूँ, मगर ये कुछ नहीं है, केवल लगन से उसका 16 साल उम्र में उसको कुछ नहीं आता है, ही लव्स ओनली म्यूजिक एंड म्यूजिक एंड म्यूजिक, वो खाता भी म्यूजिक है पीता भी म्यूजिक है, क्योंकि उसके सिवाय दूसरा कुछ चीज़ पसंद नहीं है। आज तो इतना टाइम नहीं होगा, एक परफॉर्मेंस अगर एक घंटे का आप कभी सुनिएगा तो यू विल बी वेरी हैप्पी। आपको याद है एक ज़माने में मैं अपने छोटे भाई भारत के वन ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट राशिद को मैं सारे भारत में भारत के बाहर ले आके हमने उनको गवाया था बहुत जगह में। उस वक्त लोग बोलते थे नहीं 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 आपका गाना सुनना चाहते वो बाद में करेंगे, मुझे नहीं आप उन्हीं का गाना आपको सुनना है। यू नो व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ राशिद। तो ये चीज़ करने के लिए क्या क्या चाहिए जो जिसके ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूँ, पहले तो हमें चाहिए सबसे ज़रूरी है बेसिक्स ऑफ ट्रेनिंग। जो ट्रेनिंग का जो बेस इंडियन म्यूजिक का जो बेसिक्स है वो हमें सीखने के कोई तरीका हमारे देश में अभी तक नहीं है। बेसिक्स आप पूछ सकते हैं बेसिक्स क्या है, मेरे ख्याल से पहला बेसिक्स है हवा को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, हवा को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, हवा में डायनेमिक्स मॉड्यूलेशन कैसे लाने चाहिए, हवा किस तरह आनंद वर्धक बन सकता है उसको सोचना चाहिए, ये हवा। फिर है स्वर, जैसे सा, देखिए हम गाना गाते हैं कलाकार बनते हैं पंडित, हमारे नाम पे आ जा शर्म आता है मुझे पंडित बोलने के लिए, मगर अभी तक हमारा सुर कौन सा है अपना, अपना सुर कौन सा है वही शायद 99% कलाकार को मालूम नहीं होता है कि कौन सा मेरा सुर है, मेरा माँ कौन है, वो तो मेरा माँ है। आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू वन ऑफ द ग्रेट म्यूजिशियन मंजूनाथ, ही इज़ माई यंगर ब्रदर बट ही इज़ ए वेरी नॉलेजेबल पर्सन, आप उनको सुनना यू विल हैव वेरी फर्स्ट हैंड नॉलेज इफ यू लिसन टू हिम, आई नो हिम वेरी वेल। तो सा ये शीश आप लगाओ, पहले लगाने से कैसे होगा, मैं बोलूँ सा ये हमेशा हमें याद रहना चाहिए कि ये सी शार्प है और ये जी शार्प है, बी फ्लैट है, ये बी है, सी है, ये जी शार्प है, ये डी शार्प है, ये सी शार्प है, जो पिच जो है वो हमें पहले मालूम होना चाहिए। फर्स्ट साइंस ऑफ म्यूजिक टू लर्न फॉर ऑल द स्टूडेंट्स आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, ये आज से शुरू करिए। कैसे होगा, आज फोन में सारे फोन में आपका तंबूरा है, आपका पिच मीटर है, सारे फोन में जेब में रखिए, बाथरूम में जाइए एक दफे पों करके बजा के देखिए, घर जा रहे काम हो गया कोई बात नहीं है पों, हर 5 मिनट में उसको बजाइए, इसको बोलते हैं परफेक्ट पिच। सारी दुनिया में यूरोप में अमेरिका में इसी तरह सिखाया जाता है, मगर हमारे देश में सा कभी नहीं सिखाया गया, आज तक कभी नहीं सिखाया गया कि तुम्हारा सा को तुम पहचानो। हम सर्च के लिए ज़रा बाजा पकड़ो, ज़रा इलेक्ट्रॉनिक तंबूरा लगाओ, अरे वो तो मैं बनाया, मैं जो बोलूँगा वो वही पिच होगा, अगर मैं बोलूँ सा तो दिशा बजाओ सा तो ये होगा क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए ये कॉन्फिडेंस तो कम से कम हमारे पास होना चाहिए। हम संगीत सीखते हैं डिग्री लेते हैं, मगर जो काम करके दिखाना है वो अगर हमें नहीं मालूम होगा तो फिर बात करके क्या फ़ायदा है। माँ जी ने जो बात बोली इतनी एडवांस बात बोली, इतनी सच्चा बात बोली, मगर उस तक जाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो तो हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए। तो पहला हुआ हवा, दूसरा हुआ स्वर, और स्वर केवल पिच नहीं, हम अगर कोई पूछे यहाँ मास्टर्स के या बैचलर्स के जो स्टूडेंट हैं, जैसे सा रे गा मा पा धा नि सा,
हमारे पास ये तो स्वर है और क्या है, या इसका कोई कोमल तीव्र होगा बस। तो सारे गामा पदा निसा ये पा है, सारे गामा पदा निसा क्या है, चलाओ उसको। सारे गामा पदा निसा अगर किसी को पूछा जाए तो बहुत इंसल्टेड फील करता है, अरे मैं मास्टर्स कर रहा हूँ एडवांस, हमें सारे गामा पूछा जा रहा है। मगर सारे गामा पदा निसा 12 अल्फाबेट्स सारे दुनिया का सब संगीत को पैदा किया है, केवल भारत भी नहीं, सारे दुनिया का म्यूजिक केवल 12 स्वर में कन्फाइंड है। जैसे ए टू जेड 26 अल्फाबेट्स सारे इंग्लिश लिटरेचर को बनाया, ऐसे हमारे म्यूजिक में केवल सा से सा तक ये जो एक स्पेस है, ये इतना साइंटिफिकली हमारे देश में इसका रिसर्च किया गया कि हम लोग अभी जानते नहीं हैं कि इंडियन म्यूजिक इज सो रिच, इज सो रिच, इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ म्यूजिक इन द होल वर्ल्ड। इसके सामने कुछ म्यूजिक नहीं है, कोई भी म्यूजिक नहीं है। और इसको मैं बोल के नहीं, मैं गा के प्रूफ कर सकता हूँ, मैं उतना तो कॉन्फिडेंट हूँ। दो स्वर एक साथ वेस्ट में बजा है, 3 बजा, 4 बजा, 25 बजा, 30 बजा, 100 बजा, मगर अल्टीमेटली दे आर ऑल सोलोइस्ट, एक साथ मिलके यूनिक म्यूजिक वेस्ट में बना है। मगर इंडिविजुअल म्यूजिक, इंडिविजुअल स्वर और उसके जो इंटरनल जो फ्रीक्वेंसीज है, जिसको हम श्रुति बोलते हैं, जिसको हम आंदोलित जगह पे समझाते हैं, मीड से समझाते हैं, उसका इतना सबसे ज़्यादा साइंटिफिक जो प्रयोग है वो केवल भारतीय संगीत में है, भारतीय राग संगीत में है, और दुनिया में किसी संगीत में नहीं है। क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये एथनिक म्यूज़िक, एथनिकोलॉजी, ऑल रबिश, एथनिकोलॉजी कुछ बात नहीं है। या अगर म्यूजिक इंडियन म्यूजिक एथनोलॉजिकल म्यूजिक है तो सारे दुनिया के सारे इंसान की म्यूजिक है ये, तो इसीलिए एथनोलॉजी है, इंडिया करके नहीं है। क्योंकि आई हैव परफॉर्म्ड विथ सो मेनी वेस्टर्न म्यूजिशियंस एज वेल इन डिफरेंट स्टेट्स इन डिफरेंट पोजिशन टू लर्न, नॉट टू प्रूव दैट आई एम अजय चक्रवर्ती पंडित, नो, टू लर्न। आई हैव परफॉर्म्ड विथ देम। ओनली अलग अलग जो हवा का इस्तेमाल है, लैंग्वेज के साथ उसका संपर्क है, और एटमॉस्फियर। अमेरिका में पानी का परसेंटेज 12 है और इंडिया में पानी का परसेंटेज 96 है, तो इसके लिए गले का जो एक स्टिकी आवाज़ होता है गले में, जिसको जवारी बोलते हैं, वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, वो कहीं इतना जवारी नहीं है, इससे साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंटली प्रूव थिंग। तो आवाज़ हुआ, इसके बाद है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी है जैसे सा रे पा, ये एक राग बनाता है, सा मा गा मा नी दा पा, ये दूसरा राग बनाता है, सा रे पा, ये दूसरा तीसरा राग बनाता है, ये चौथा राग बनाता है। केवल कनेक्टिविटी, रिलेशनशिप, ये हमारा भाई है, ये मौसी की लड़का है, ये चाचा की बहन है, ये हमारा पड़ोसी है, मेरा कजिन है, तो सारे लोगों के साथ रिलेशन बनाया इंडियन रागा म्यूजिक। लोग जो है ये 12 स्वर जो है, 12 स्वर है ओनली अल्फाबेट, जैसे ए बी सी डी, एम के जी एच एल के सी बी एम एक्स क्यू बी एम आई सी टी, इट विल नेवर मेक ए वर्ड। वर्ड बनाने के लिए रिलेशनशिप बनाना पड़ता है, तब जाके रिलेशन होता है कि बॉय बॉल। बट कंजुगेटिव वर्ड्स कैनॉट मेक एनी वर्ड, सिमिलरली कंजुगेटिव नोट्स कैनॉट मेक राग। राग उसके साथ संपर्क जो बनाना है, रिलेशनशिप, जैसे रे, ये नहीं है,
तो प ये प नहीं है, ये हमारे यहाँ इसको छोड़ देते आज, ये हमें दे दे क्योंकि 50 चीज बताने के लिए एक रात प्रेजेंटेशन नहीं करेंगे। तो जिसको हम बोलते हैं कि श्री राम कृष्ण जी, आप जानते हैं श्री राम कृष्ण जी बोलते थे कि हम स्कूल गए थे और स्कूल में हमें सबस्ट्रक्शन सिखाया, वियोग, इसलिए मैं स्कूल से आ गया, क्योंकि वियोग करके कोई चीज़ दुनिया में है नहीं, केवल योगा है, केवल कनेक्ट होना जाए। हम एक को जुदा करके तो हम दुख में होंगे, आनंद में रहने के लिए जो माँ जी अभी बोल रही थी आनंद, इसमें केवल एडिशन चाहिए, और भी चाहिए, सब लोगों को प्यार चाहिए, सब लोगों को आशीर्वाद चाहिए, सब लोगों के मिलना चाहिए। जितना लोग हम मिलते हैं उतना हम बड़े हैं। जो मर जाने के बाद सबसे ज़्यादा लोग आते हैं वो महान आदमी है। जिंदा रहते समय लाइन लगाने से नहीं होगा, मरने के बाद जितना ज़्यादा लोग आएंगे वो उतना महान लोग है, इट इज़ प्रूव्ड। तो महान लोग होने के लिए वो जाने के बाद उनका विचार होगा। तो इसीलिए सब्स्ट्रक्ट इज नॉट एट ऑल वांटेड इन इंडियन म्यूजिक, क्योंकि मैं तो सोचता हूँ कि क्या कमाल उस्ताद लोगों ने हमें रास्ता दिखा के गए कि रे रे गा रे हटाओ गे सा, ये बताने से पता चलता है कि ये भोपाली है। और सेम चीज सारे सारे धा सारे गरे ग सारे धारे सा, इस उत्कल्याण है। केवल बीच में छुपा हुआ शुद्धनी और तिब्बत बंधु छुपा हुआ इतनी सुंदर तरीके से वो आता है, ये दूसरा राग बनाता है। दिस इज एक्चुअली एस्थेटिक्स, टू नो द रागा बाई अंडरस्टैंडिंग ए पर्सन। जैसे यहाँ हमारे पिता के बराबर चिन्मय गरे खान साहब, ही केम टू श्रुति नंदन स्टेट फॉर फ्यू डेज, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं। इन्होंने इतनी बड़ी कीमती एक बात बोली कि एस, तीन एस बोले, इसके साथ मैं एक एस और जोड़ना चाहता हूँ, वो है स्पिरिचुअलिज्म। साड़ी, संस्कृत, संगीत एंड स्पिरिचुअलिज्म। क्यों आज जो स्पिरिचुअलिज्म के बारे में हम करते हो तो रिचुअलिज्म करते हैं, स्पिरिचुअलिज्म नहीं, रिचुअलिज्म नहीं चाहिए हमें, स्पिरिचुअलिज्म चाहिए। सच में आत्मा से आत्मा मिलके प्यार से सब लोगों को, जैसे रंजकं जनचित्तानां सचरात सचराग उदाहरित, जैसे माँ जी ने अभी बता रही थी, मैं माँ जी ने पूरा सेंटेंस नहीं बोली, थोड़ा सा बोली, और रंजयति इति रागः, ये तो हम जानते हैं, मगर रंजयति कैसे होगा? ये पांच, ये जो चार चीज़ है, इसके लिए जो उन्होंने सोचा है, इस सोचने का सोर्स क्या है? ये तीन चीज़ जो उन्होंने बताया, मैं उसमें एक चीज़ स्पिरिचुअलिज्म जो की ऐड किया, ये चीज़ कैसे आया उनके दिल में? ये चीज़ इसीलिए आया क्योंकि उनका चित्त, कॉन्शियसनेस, इसको निकाला कि इतना वेल ट्रैवल्ड, इतना एक्सपीरियंस, इतने एजुकेटेड, सारी दुनिया देखा उन्होंने। दुनिया देख के क्या लगा कि हमें ये तो ये चीज़। जैसे संस्कृत, मैं छुटपन में व्याकरण तीर्थ किया था एट द एज ऑफ 12, मेरे पिताजी ने मार मार के मुझे भेजते थे टोल में। आज भी मैं बता रहा हूँ कि 2009 में मेरा सेरिब्रल अटैक हुआ था, 2009 में, और मेरा सब प्रोनाउंसिएशन चला गया था, आवाज़ ठीक से नहीं निकलता था, होंठ टेढ़ा हो गया था, और इट वाज ऑलमोस्ट डिसाइडेड कि मेरा गाना और नहीं होगा। यू विल नॉट बिलीव, वन ईयर आई जस्ट रेड संस्कृत फॉर 5 आवर्स अ डे।
only I read Sanskrit 5 hours a day. और आज भी मैं जब गाना गाता हूँ या सब जो शब्द उच्चारण करता हूँ मैं consciously करने का कोशिश करता हूँ. इसके लिए मेरा गाने में शब्द जो है वो काफ़ी हद तक सुनाई देता है. सब 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 आप लोग समझ सकते हैं. ओनली फॉर दैट हैबिट वो मैं शुरू में ही सीखा. मगर उसका जैसे मैं बताता हूँ, जैसे देखिए सुर के साथ अगर संस्कृत बताया जाए, जैसे जैसे बैरागी गा रही थी, गुनकली गा रहे थे सब लोग बच्चे, कितने सुर में गाया, बहुत अच्छा, चार पांच जने का तो आवाज़ इतना सुरीला लगा मुझे. ये अगर अच्छी तरह इसको ग्रहण करे एज द बेसिक सब्जेक्ट टू लिव, तो ये कलाकार बहुत अच्छा कलाकार बन सकते हैं. ऐसे हमारे देश में कोई अभाव नहीं है, कमी नहीं है, केवल प्रॉमिस की कमी है. जो मैं बोल रहा था आग, आग भूम आकाश पवन पानी, वो आग है दैट प्रॉमिस. मुझे करना है, मैं तो करके छोड़ूंगा. तो जैसे देखिए अगर बैरागी में मैं बोलना चाहिए, अगर मैं थोड़ा सा आवचार करूँ, हे रे रे हे रे रे ने रे रे आ रे नो. अब इसमें स्वर है मगर दीज आर ऑल नॉन लेक्सिकल स्वर. लेक्सिकल मतलब जो लिखा नहीं जा सकता है. अब क्या लिखेंगे, सारे मापानी, तो सारे मापानी ये कोई राग नहीं है. और सारे मापानी ये सारे मापानी नहीं है. ये वेस्टर्न म्यूजिक नहीं है कि पेपर देख के आप बजा सकते हैं. दिस इज इंडियन म्यूजिक. कुछ नहीं कर सकते हैं, केवल सुन के गुरु के पैर में सर रख के इसका अंदाज पता चलना पड़ेगा, फिर खुद को गुरु बनना पड़ेगा. ये भी एक बहुत कीमती बात आपको बोला. खुद को गुरु अगर नहीं बना सकते हैं तो ज्यादा दूर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि गुरु का कॉपी बनना कोई कलाकार की काम नहीं है. वो तो कोई भी गा सकता है, गुरु को कॉपी बना के सब कोई गा सकता है. मगर ये शायद गुरु ने सिखाया. मैं बोल रहा हूँ ये मेरा है, इसका गुरु मैं हूँ. या ऐसे बहुत सारे रास्ता हर राग में, बहुत सारे रास्ता राग में जो कॉमन रागज है आज भी हमें मिलता है, जो मैं किसी से नहीं सुना, किसी से नहीं सुना. आप पूरा YouTube सुनिए, उसमें जो एक अलग अलग स्टाइल की बड़े बड़े कलाकार हैं जिन्होंने हमें सिखाया, वो साथ साथ ये भी सिखाया, बेटा रास्ते तक मैं ला दिया, अब चलना तुम्हारा काम है. तो चलना जो है रे मा पा ने ने रे नी पा मा रे रे मा पा ने पा रे मानी रे मानी. ओ स्वर को किस कर हिला के हम उसको सोचे, वो सोचना जो है ये गुरु ने शुरू कराया. कलाकार वो बनता है जो खुद करता है. वाहिद खान साहब को सुन के आमिर खान साहब नहीं बन सकते थे. वाहिद खान साहब को सुनकर उन्होंने जरूर उसका प्रिंसिपल लिया, मगर उन्होंने सजाया, लय में काफ़ी घटाया, बीच बीच में गैप लिया, तब जाके आमिर खान साहब बने. गुलाम अली खान साहब के चाचा जी जो गुरु थे काले खान साहब, अभी थोड़ा थोड़ा YouTube में मिलता है, अब सुनिएगा, बहुत मिल मिलाव है. मगर खान साहब को एट द एज ऑफ 40 अगर आप सुनेंगे तो आखिर वक्त में जब खान साहब 62 ईयर्स के हुए, 63 ईयर्स के, खान साहब का गाना बहुत बदल चुका था, बहुत बदल चुका था. दैट वॉज हिज थिंकिंग. तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि बेसिक्स ऑफ हमारा जो म्यूजिकल ट्रेनिंग का बेसिक्स है, हवा हुआ, स्वर हुआ, स्वर को सुर करके देखना.
एक चीज मैं सोचा कि स्वर और सुर, स्वर जो है सा पा मानी रे मा बानी बसे नी मानी रे मा बानी नीजा रे नी रे सा, ये स्वर है। अब रे नी रे रे मा पानी सा रे नी रे मानी नी रे मानी रे। ये स्वर को अपनाना, आप ताली मत दीजिए, मैं अगले दफे आप लोगों का यहाँ बैठ के सुनाएंगे, मैं वहाँ बैठ के सुनूंगा, आपको करना पड़ेगा। आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू हमारे जोगेश त्यागी जी और हमारे बहन दीप्ति भल्ला जी कि एक सब्जेक्ट ऐसा चुना जो कि इतने काम का सब्जेक्ट है। सेमिनार तो बहुत होता है, बहुत जगह होता है, 2-4-5 लाख रुपया ग्रांट भी मिल जाता है, खर्च होता है, हम लोगों का आने जाने का खर्चा मिलता है, 10-20 हज़ार रुपया जेब में मिलता भी है, हम खुश चले जाते हैं, कुछ फायदा नहीं उसमें। हमें फायदा लेना पड़ेगा पूरा। जैसे मैं बोल रहा था सारे गामा पादा निशा, जैसे सारे गामा पादा निशा सब जानते हैं, मगर किसी को पूछूं कि पाधा गारे मानी सारे गाधा पाका सारे माँ पादा गारे मानी सारे पादा सारे माँ गापा। स्वर को इंडिविजुअली देखना ये हमारे ट्रेनिंग सिस्टम में नहीं है। This should be added, you know, in the science of learning. That's why I was talking ki science of aesthetics. Science of aesthetics means dhire dhire har cheez ka aesthetics. Agar main bolu re re ne ye jo sentiment laga रे रे ना, ये दूसरा सेंट में लगेगा रे 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 रे, ये तीसरा सेंट में लगेगा। ये सारा वॉयस है और हवा है, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे इतना सा आता है, मगर जितना आता है उससे जो फायदा बच्चों का हो रहा है, आई वॉन्ट टू शेयर दैट, दैट इज द मेन रीजन इन माई लाइफ नाउ। तो ये एस्थेटिक्स के लिए तीन चीज मैं बोला। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, मैं बोल रहा था कि आप जैसे पादा नी सा पादा गामा नी धा पमा गा बा सा रे मा गा रे धा पमा गा रे पा नी रे गा मा पादा नी सा नी रे सा रे सा नी सा रे गा रे सा, ये बोलना लगा कि वो कितने मुश्किल है अजय जी, कैसे बोल दिया। आप सब बोल सकते हैं, ये खिलौना की तरह करना है केवल। पादा गा रे गा नी सा नी रे सा सारे पादा रे सा धा पमा गा रे गा मा पादा नी रे गा मा पादा नी, सब बोल सकता है, मगर सारे गा मा पा रे गा मा पा सा गा मा पा सा रे मा पा सा रे गा पा सा रे गा मा, ये एक्सरसाइज है, मगर कितना साइंटिफिक है। सारे गा मा पा नी रे गा मा पा नी सा गा मा पा धा नी सारे मा पा नी सारे गा पा धा नी सारे गा मा धा नी सारे गा मा पा नी सारे गा मा पा धा पादा रे गा मा सा नी गा रे गा नी गा रे गा सा नी रे नी सा धा बसा नी रे गा मा धा बसा मा गा रे सा पा सा रे धा पा मा गा रे धा पा मा गा रे धा पा मा गा रे पा धा पा मा गा रे पा धा मा धा पा मा गा रे पा धा गा धा पा मा गा रे पा धा रे धा पा मा गा रे धा पा गा धा पा सा धा पा, कुछ भी आपको केवल देखना है कि ये सा रे गा मा पा धा नी सा, कमरे में कागज से नोट 7-8 नोट लिखिए और बोले सा पा रे गा धा रे गा मा सा मा नी रे नी पा गा सा नी पा धा रे मा धा पा मा गा रे सा नी गा रे गा मा पा धा नी सा, एक दिन हो जाएगा। इतना आसान तरीका है, केवल रियाज के कमरे में 8 स्वर अब लिख के रखिए और देख देख के इसको बोलिए। और इसी तरह माँ के साथ 2 साल 24 आवर्स आपने बिताया, इसीलिए माँ को पहचाना, मगर ये 12 स्वर को पहचानने के लिए 12 × 2 = 24 ईयर्स सबको देना पड़ेगा, नहीं तो फिर कैसे पहचानेंगे इनको। कागज में लिखने वाला कि लेखो भोपाली सारे का पता सा कुछ नहीं होगा, माल को सा गमादानी सा कुछ नहीं होगा, इसके लिए प्यार और श्रद्धा से इनके साथ मिल जाना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, ताकि सामा गामा रेपा मगा रेपा सा गापा मगा रेपा सा मापा मगा रे गापा गापा मगा रे मादा मादा पोगे सामा गा
गबा गरे सानी दिनी सानी दबदरी बदा बदा बगा 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 करे सर। लोग बोलते हैं कि नीचे गला नहीं जाता है, क्या करूं? नीचे गला एक जमाने तक मेरे सा तक छोड़ दीजिए, पा तक भी नहीं आता था। सानी दा ऐसा करता था। फिर बाबा ने बोला कि तेरा ये हालत है, 3:30 बजे बिस्तर से उठा के फेंक देते थे जमीन पे। बोले बोलो जब तक सा नहीं लगेगा सोने नहीं दूंगा। तो 3:30 बजे सुबह बाबा ने बिस्तर से हटा के जमीन पे फेंक दिया। तो करते 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 4 साल के बाद मेरा नीचे सा तक लगता है। अभी मेरा प्रॉमिस है कि उसके नीचे सा जाऊंगा मैं। लोग हंसते हैं मगर पंचम तक मैं आराम से जा सकता हूँ। देखिए मैं आपको सुनाता हूँ। सा नी धा पा मा ग रे सा नी धा पा, ये तक जाता है। तो इसी उम्र में जब तक मेरा अपना खुद का रियाज ही नहीं है अभी तक, क्योंकि इसको कराओ या मैं रियाज करूं, ऐसे हमारे पास केवल 1000 चिल्ड्रन है, 1000 जो हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री किसी ने देखा भी नहीं। मैं बहुत सर खोल के बोल रहा हूँ, प्लीज डोंट माइंड, मैं जरा खोल के बोलना पसंद करता हूँ। एस आर एम में करीब 40-45 बच्चे हैं, वो सभी मेरे पास आते हैं, सभी बड़ों गुरु से सीखते हैं, मगर चर्चा के लिए कि कैसे और बढ़े और कैसे इसका उन्नति हो। तो ये मेरा जब जाता है, एक आदमी का जब होता है, तो आपको क्यों नहीं होगा? हारगिस होगा, आप केवल प्रॉमिस करिए ये होगा। तो ये हुआ स्वर का। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा था वो है साहित्य। साहित्य इज कॉम्प्लीटली नेग्लेक्टेड इन आवर सब्जेक्ट। कविता जो होता है, अगर मैं बताऊं कि कवन देश गए, अब जो जैसे अभी सुसारंग की टाइम है, नॉर्मली मैं टाइम थ्योरी तो बहुत मानता नहीं हूँ, मगर सुनते सुनते जो एक एसोसिएशन हो गया उसको तो डिनाई नहीं कर सकते। दोपहर को अगर कोई मैं बोलती सरदार आपको मार्कोस सुना, मैं बोल नहीं मार्कोस नहीं, रात को सुनाना, अभी दोपहर को दूसरा राग सुना। तो अगर सुसारंग में गाऊँ, इसकी एक बोल है, आज की घड़ी शुभ हो सकल कर्म हो सुफल सुखदायी, आज की घड़ी शुभ हो सकल कर्म हो सुफल सुखदायी। क्योंकि आज की जो ये जो इतना सुंदर आयोजन हमारे मिसेस भल्ला जी ने किया है, तो आज की घड़ी शुभ हो, ये तो हमारा सबका प्रार्थना है। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि गुनियों की गुनी जियो 100 बरस, बढ़े दिन दिन तिहारी अधिकाई। ये सारे लोग बैठे हैं यहाँ, सारे विद्वान लोग, मैं नाम कितना गिनूं। गुनियों के गुनी जियो 100 बरस, बढ़े दिन दिन तिहारी अधिकाई, आज की घड़ी सुबह हो सकल कर्म हो सुफल सुखदायी। तो देखिए आज की घड़ी शुभ हो, ये एस्थेटिक्स की हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रागा म्यूजिक शुड कम ओनली थ्रू लिटरेचर। लिटरेचर नहीं आएगा तो एस्थेटिक कभी नहीं आएगा। क्योंकि गाना अगर हवा को कविता बनाना है तो हवा किससे बनी है? हवा को हम शेप तो देते हैं वावेल और कॉन्सोनेंट से। 5 वावेल भगवान ने देखे भेजा है, आ ए ई ओ ऊ। जी रचना मेरे गुरु जी की है, ज्ञान बाबू की। हाँ ऐसे बहुत सारे बंदिश है जो कि लिटरेचर अच्छा नहीं है, तो इसीलिए वो गाना उतना इम्पैक्ट नहीं बना सके। और शब्द केवल शब्द है। मैं जैसे बुआ जी से सीखा, निवृत्ति बुआ जी से भी मैं काफ़ी दिन बैठ के सीखा, वो साहित्य को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। बोलते थे कि वो तो 2-4 शब्द है, वो मेरे गुरु थे इसीलिए उनका हर बात सर पे है। मगर मैं इस चीज़ को नहीं मान सका। मुझे लगा कि आज के तबला बंद है, तबला तबला दीजिए धा धागे तेरे के।
tin tere ke te ta dekhe na 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 kat tak tin tek dha dha ge ai na din ye le ha isko zara feedback aa raha hai re ke te tin ha zyada kyu kar rahe ho na kat tak tin ta tek dha धागे तेरे के धिन तक धा धा धिन। तो ये जो बजाओ, ये जो लय है, ये भी हमारा बहुत प्यारा भाई है, बहुत प्यारा। ये जो लय में बोला, ये लय में आजकल गाना गाते ही नहीं कोई, तो इसीलिए इसका प्रयोग अब पुराने जमाने में इससे बढ़ा के कोई गाते नहीं थे, ये लय में गाते थे। आज के सकल करम सुफल जो जो चीज हमें चाहिए वो पहले चाहिए, आज की घड़ी शुभ हो, सकल कर्म हो, सुफल सुखदायी। इसको पहले गुरुजी बोलते थे और मैं आज बोल रहा हूँ कि 100 दफे कम से कम अस्थाई अंतरा को पढ़ना। एस्थेटिक वहाँ से शुरू होता है। अगर कविता हम पढ़ेंगे तभी इसका जो मर्म है, इसका जो मतलब है, आज की घड़ी शुभ हो, घड़ी शुभ हो, घड़ी शुभ हो, शुभ घड़ी हो, शुभ घड़ी हो, आज के घड़ी शुभ हो। अगर मैं इसको सोचूं कि आज की घड़ी शुभ हो तो इसका कुछ अलग ही बात बन सकता है, जो कि केवल गुरुजी ऐसे बोलते थे, बोलने से नहीं होगा। तो घड़ी, अब अगर मैं बोलूं घराना स्टाइल, तो घड़ी तो घड़ी कहाँ रहेगा? फिर मैं हम ज्यादा हो जाता है कि मैं कितना गाता हूं। देखो शब्द बेचारा मरे, वो तो नहीं होने चाहिए। शब्द को पढ़ना चाहिए, बहुत दफे पढ़ के एकदम ब्लाट के साथ मिला देना चाहिए। उसके बाद वो राग गाएंगे तो राग का भी बहुत, राग का जो स्काई है वो भी और बड़ा हो जाएगा। तो शुभ घड़ी हो, घड़ी शुभ हो। अभी पंडित देवी चौधरी जी बोल रहे थे, उन्होंने पिछले कई साल से 25 राग का कॉम्पोजिशन किया है, जो ख्याल गाने के साथ गाना, क्योंकि गाना क्यों रखा, ये शब्द और सुर मिलके जो एक असर पैदा करता है वो साज में आ जाए। क्योंकि हमारे देश का जो इंडियन म्यूजिक का जो बेसिक चीज़ है वो वोकल म्यूजिक है। इंस्ट्रूमेंटल इज ग्रेट, इंस्ट्रूमेंटल इज दे प्लेड यूनिक, बट दे सैंग इंटरनली। बिलाल खान साहब गाते गाते बजाते बजाते जब रोक जाते थे, जब उनका सेटिस्फेक्शन नहीं आता तब वो गाना शुरू कर देते। आज भी बहुत लोग करते हैं। अली अकबर खान साहब का गला इतना गाने लायक नहीं था, वो हारमोनियम लेके ऐसा बैठ के गाना गा के सबको सरोद सिखाते थे। रविशंकर जी सबको गा गा के सिखाते थे। मैं देखा, सुनी हुई बात नहीं है, मैं देखा अलाउद्दीन बाबा गा गा के सिखाते थे, सरोद हाथ में लेके किसी को उन्होंने नहीं सिखाया। तो गा गा के सिखाने से मतलब कि गाना क्या है? गाना इज बेसिकली द लिरिक विद द हेल्प ऑफ राग। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला कि लिरिक के साथ जब राग भाव का शादी हुआ है तो बच्चा जो पैदा होगा उसका नाम है संगीत।
लिरिक के साथ राग भावना का जो शादी होगा होने के बाद, अगर शाही अगर शादी सही वक्त पे हो, जो लगन होता है शादी का, एक लगन टाइम होता है, वो टाइम भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। सही वक्त में अगर सही कविता के साथ सही राग का शादी हो तभी बेस्ट म्यूजिक बन सकता है, वरना नहीं बन सकता। ये रविनाथ टैगोर ने उनकी किताब में लिखा है। तो इसीलिए मैं बैठ के इसको सोचता रहूं कि घड़ी शुभ हो, घड़ी शुभ हो, आज की घड़ी शुभ हो, सकल कर्म सुखदाई हो, सुखदाई हो घड़ी, सुखदाई हो सकल कर्म सुखदाई हो घड़ी शुभ हो। अगर ये हम विस्तार करेंगे, सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अगर मैं शब्द को टुकड़ा कर दूंगा, रस्य शब्द को लंबा कर दूंगा और लॉन्ग नोट को हम छोटा कर देंगे तो फिर मतलब खराब हो जाएगा। तो फिर तराने के साथ क्या फर्क रहेगा? और तराने में भी देखा गया, अगर विचार किया जाए तो रस्य दर्ग राग के सौंदर्य के लिहाज से कंपोज किया गया, जो बहादुर हुसैन खान साहब के पुराने तराना है, कंपोज यूनिक है सब। तो जैसे तीन ता तबला जरा उच्चारी हुई है, जोर से गाओ। जोर से उतारो। अभी भी चढ़ी है थोड़ा थोड़ा। जैसे हे करतार पूरी करो मन की इच्छा, हे करतार पूरी करो मन की इच्छा, हे कर दिन दिन तीन ताल करो मन की इच्छा, कर दाओ पूरी करो मन की इच्छा, कर दे रो गाने से शब्द एस्टेब्लिश नहीं होता है। थोड़ा जैसे हम बोलते हैं कि हम सुबह जाते हैं किसी घर में, मुझे 50 रुपया की जरूरत है, 50 रुपया की जरूरत है, तो मुझे मालूम है कि दादा के पास, बगल वाले कमरे में दादा है, उनके पास जाऊं तो शायद वो दे देंगे। तो मैं जाके दरवाजा खोला, दादा 50 रुपया दीजिए, कभी नहीं मिलेगा आपको। बोलना पड़ेगा दादा कैसे है, प्रणाम करना है। अरे तू सुबह सुबह क्यों आया? मैं इसीलिए आया था कि आपसे एक बात या बोलूँ या ना बोलूँ ये सोच रहा था। बोलो ना, क्या बात है? जरा अंदर जाओ। हाँ आओ आओ आओ, चाय पियोगे? ठीक है, पी सकते हैं। तो बैठ के उनका मौसी कैसा है, उनका दादा क्या है, सब बोलने के बाद बोले कि असल में मैं जो बोलने आया था मैं बोलूँ। अरे बोल, जो क्या तुमको चाहिए? तो मुझे ज़रा मतलब 50 रुपया अगर थोड़ी देर 2-4 दिन के लिए मिलता काम है। ठीक है, तो बोल, इतने शर्म क्यों है? तो ये जो टाइम है वो देना पड़ा 50 रुपये लेने के लिए। जाती अगर बोलते 50 रुपये दीजिए तो जूता मार के निकाल देते हो। कि शब्द को एक दो दफे गाने में हे करतार पूरी करो नहीं होता है। हे करतार के लिए भगवान के सामने बोलना पड़े, भगवान मन की इच्छा पूरी करो, हे भगवान जाके जरा ध्यान करो, बैठो भगवान को बोलो दिल से, तभी भी ना मिल सकता है। अगर दिल से बोलोगे तो जरूर मिलता है। तो इसी तरह राग जो है वो पूजा करने का, ध्यान करने का सबसे बड़ा उपादान है, मगर गाना वो है हे करतार पूरी करो मन की इच्छा, करते रहो काहे चिंता रागितों से सबरंग। ये गुलाम अली खान साहब की बंदिश है। इसके बाद जैसे हम पूजा में फल लाते हैं, फूल लाते हैं, मिठाई लाते हैं, सारे जो उपादान लाते हैं, वो बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है श्रद्धा।
श्रद्धा से अगर बोलते सब मिलता है. तो एस्थेटिक्स का एक सोर्स है श्रद्धा. उसके भी पहला चार चीज मैं आपको बता रहा हूँ. थोड़ा सा इरेलीवेंट हो रहा है बात, क्योंकि बहुत सारे चीज़ को इकट्ठा बोलना पड़ रहा है. एक है प्यार, दूसरा है प्यार के बाद विश्वास, विश्वास के बाद श्रद्धा, श्रद्धा के बाद समर्पण. ये चारों चीज़ अगर है तो आप वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिशियन बन सकते हैं. इसमें कोई झूठ बात नहीं है. खुद को पूछना है कि मैं ये चार चीज़ में सच में सच्चा हूँ या मैं झूठी हूँ. तो प हे कर धा कधिन कधिन दिन धा तेरे के धा धग न तेरे धिन तेरे धिन धग न धिन न धग धग तेरे धिन ता तेरा गे धिन तेरे धिन धिन ना ता तेरे के तक तक धिन तक 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 धिन तक तक तक. हाँ, तो ये जो ताल के एस्थेटिक्स, तो कल सुरेश जी आ रहे होगा, मगर ताल के एस्थेटिक्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि गौया को सालों तक बैठ के तबला सीखना चाहिए, नहीं तो गाना कभी अच्छा नहीं हो सकता है. मैं 30 साल के बाद गुरुजी से पक्का तब तबला सीखा. जितना अनिंदो, जितना संजय ये लोग सीखा है, मैं 30 साल गुरुजी के पास सीखा. अगर हमें बजा के दिखाने के लिए बोलेंगे मैं दिखा सकता हूँ 1/8 स्पीड में, क्योंकि स्पीड तो प्रैक्टिस करने का इजाज़त गुरुजी ने नहीं दिया. तो धा तिक धिन तिक धिन धिन धा, ये किसी किताब में लिखा हुआ है? कोई किताब लिख सकता है? सारा किताब जिन्होंने लिखा कभी तबला नहीं बजाया, और जो सबसे अच्छा तबला बजाया उन्होंने कुछ नहीं लिखा, तो कैसे म्यूजिक अच्छा बनेगा? सबसे अच्छा गवैया जैसे गुलाम अली खान साहब, आमिर खान साहब, कुछ नहीं लिखा. और म्यूजिकोलॉजिस्ट में नाम नहीं बोलूंगा, बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिकोलॉजिस्ट है, मगर सुर नहीं लगा. तो आज माजी जो यहाँ बैठी है, इनका बोलने का अधिकार है, बिकॉज शी हैज अर्नड बोथ द थिंग्स. मैं इनके सामने कोई बोलने का नहीं, मुझे मालूम है इनका गाना मैं सुना, रिकॉर्डिंग मैं मेरे पास है, मैं सुना. तो इसीलिए एक संपर्क होना चाहिए जो विद्या और प्रयोगात्मक, जिसके शब्द हम बोलते हैं करो मन के कर तेरो हे कर तार. अगर स्वर भी गाए रे रे मा पद सा रे सदा सा मा पद हे मा पद हे सारे पहे कर दार रे सारे मरे मा पा मा पा दबल सर रे सदा सा मा पद रे हे कर दार हे कर दार हे कर आ. तो ताल के साथ शब्दों को लेके मैं तो एक एक सेकंड के बता रहा हूँ, क्योंकि इसको बताने के लिए मैंने मिसेस भाला जी को बोला था कि कम से कम हमें 3 घंटे चाहिए मिनिमम, इफ नॉट 30 आवर्स, क्योंकि ये आज बच्चों में संगीत प्यार कराने के लिए मेरा प्यार सबसे पहले ज़रूरत है. तो प्यार बांटने के लिए टाइम चाहिए. 5 मिनट में आधे घंटे में प्यार नहीं बांटा जा सकता है. प्यार एक बहुत गहरी, बहुत ही गहरी चीज़ है. ये हमारे सामने बहन जी बैठी है, मैं सच बोल रहा हूँ कि इनको सब लोग जानते हैं, मगर इनका आत्मा को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ. केवल जानना नहीं, विद्वता तो है ही उनका, मगर आत्मा बहुत उच्च कोटि की आत्मा है. आत्मा को, कॉन्शियसनेस, दैट इज द मोस्ट वैल्यूएबल चीज टू लर्न एस्थेटिक सेंस ऑफ म्यूजिक. आत्मा चाहिए, लोगों के लिए प्यार चाहिए, लोगों के लिए विश्वास चाहिए, लोगों के लिए श्रद्धा चाहिए, लोगों के लिए समर्पण चाहिए, जो कि आज दुनिया में करीब करीब है ही नहीं. वी हैव ऑलरेडी ऑल फॉरगॉटन ऑल दिस क्वालिटीज. मेरे ख्याल से मैं ज़रा ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, पता नहीं, मैं बंद कर देता हूँ अभी. तो एक चीज़ तो मैं बोला
और मैं एक चीज फिर से बोलना चाहता हूँ, सब एक हर लोग गाना सुनना चाहते हैं मगर तो प्रोग्राम में होता है, मैं कैसे गाऊँ? अच्छा स्मॉल पीस, अच्छा सब कुछ सुनना चाहते हैं, तुम्हारा सुनना चाहते हैं आप, अच्छा हमारे साथ थोड़ा थोड़ा मैं गाता हूँ, क्या लगा तू बैठागी भैरव गुनकली, क्या करते बैठागी? इसको कॉमन पड़ेगा गौर बैरागी गाने से, देखिए इसका जो गला चलता है ना मेरा उसका आधा भी नहीं चलता है, इतना अच्छा इसका गला चलता है। एक ज़माने में मेरा चलता था, आई यूज टू प्रैक्टिस 14 आवर्स ए डे एवरी डे फॉर 7-8 ईयर्स आई डिड इट, मगर अभी हमारा काम हो गया दूसरा, मैं फ्लाइट यहाँ से ले रहा था, अब गुरु जी ने बोला कि इधर जाओ, तो इधर मैं फ्लाइट दूसरा ले लिया, तो इसीलिए उस फ्लाइट वालों को मैं चाहता हूँ, और मेरा इतना इनसिक्योरिटी नहीं है कि बच्चों को प्रशंसा में थोड़ा सा छुपा के करें, मुझ में कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, बच्चा तो आगे जाएगा, यही तो हमारा तो मकसद ही है कि ये बच्चा आगे जाएगा। थोड़ा सुनाओ और पहले सबको पैर छू यहाँ बैठ के, ए रे रे ना, इसका देखिए गुरुजी ऐसे विद्वान थे, ऐसे गुरुजी मतलब सोचते थे, बल्कि देखो इस स्वर में कहाँ मुझे राम नजर आता है, भगवान राम, तो मैंने बोले क्या करूँ, बोले लिखो मेरे सामने, बोले बोलो लिखो मेरे मन में बसो राम, मेरे मन में बसो राम, फिर माथा ऐसा करने लगे मेरे मन में बसो राम, अभी राम पूर्ण हो सब काम, बस 2 मिनट में अस्थाई बन चुका है, 2 मिनट में, दिस वॉज ज्ञान प्रकाश घोष, मेरे मन में बसो राम अभी राम पूर्ण हो सब काम, फिर हम कागज कलम लेके बैठे हैं और मुझे बहुत ही प्यार करते थे वो, प्यार ने वो हमें सब कुछ दे दिया, तो फिर बोले कि राम कैसे थे इसको डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा अंतर हमें, भक्त बचल दुख भंजन सुखदायक मंगल विधायक सबके पालक पुनः धाम, और 10 मिनट में ये अंतर अभी उन्होंने लिख के दिया। तो आप बताइए कि ये शब्द जो है आप जैसे समझकर इसको बोलेंगे तो बैरागी राग का कैरेक्टर क्या बनेगा, मेरे मन में बसो राम, तुम जानते हो बंदे, चलो मेरे मन में बसो दिन तक दिन, नॉर्मल जो विलंबित होता है पूरण हो सब काम मेरे मन एक बात और बोल के फिर मैं गाता हूँ कि ये जो बंदिश हम गाते हैं ये हम गाते हैं फिर तबलिया हफ्ते में एक दिन आते हैं उनके साथ हम फिट करते हैं, तबले के साथ फिट क्यों, बंदिश को फिट करो गलत बात है, तबला मेरे दिल में है मैं इसके साथ गाऊंगा, तबला आके बाद में बजाए चाहे ना बजाए कोई हर्जा नहीं, मैं आपको गा के सुनाता हूँ किस तरह हम सिखाते हैं किस तरह हम सीखते हैं, जैसे कि बजाओ मत मैं बजा के गाऊंगा, तबला बजा के भी गा सकता हूँ मगर अभी ये सब टाइम नहीं देता हूँ, अब देखो मेरे मन है कि बोले मैं छोटे का हम बैठ दो ठेका बजा के ना तू ही गाइए ना
कुछ अस्विधा अच्छा नाम बना किया तो मन में एक दफे मैं गा के सबको सुनाऊं फिर आप इसको देखिए देखिए 12 मात्रे में दो मात्रे का मुखड़ा है तो मेरे मां एक मात्रा स्कैन कर रहा हूं अभी अभी साहित्य नहीं है मेरे मन में दो मात्रा हुआ 11 12 अब सम सो राम अभिराम पूरन हो सब राम 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 बसो मेरे मन में राम मेरे मन Ah
राम बसो राम बसो राम बसो राम बसो राम बसो मन में अभिराम राम बसो मन में बसो मेरे मन में अभिराम राम बसो पूरन हो काम मेरे मन में बसो राम राम बसो बसो मन में राम राम मन में बसो मन में बसो मेरे मन में बसो अंतर को मन में पूरन हो सब काम पूरन हो सब काम पूरन हो भक्त बछ दुख भंजन दुख भंजन सुखदायक सुखदायक मंगल विदा सबके पालक दुख भंजन सुखदायक 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 दुख भंजन सुखदायक सुखदायक
भगत वचन दुख भंजन सुखदायक मंगल विधायक सबके पालक गुण भगत वचन भगत भजन सुख भंज सुखदायक सुखदायक दुख भंजन मंगल विधायक भगत भजन सुख भंजन भगत भजन सुखदायक मंगल विधायक सबके पालक पुनः धाम मेरे मन में बसो मेरे मन में बसो मेरे मन में बसो दूर गाओ सुर सुर साध धिन नाना ये बात सुर सुर से साध ले सुर सुर से साध ले रसिक सुर सुर से साध ले साध ले सुर सुर से साध ले सब दशलों ने नय थान सुर 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 से साध ले रसिक सुर सब दसलो ने लय ताल सुरन सुर सुर सदले सुर सुर से साधले सुर से साधले सुर सुर सदले 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 सुर सुर सदले सुर से साधले सदले sadale sure sure sadale sure sure sadale 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 हमारे कहते हैं बाबानी बाबानी दानी दामारी बाबानी नी बाबानी दानी रे बानी दानी बानी बानी बाबानी बाबानी दाव हमारे कहते हैं बुनियाने तो पानी बाबानी नी बाबानी बाबा सामानी नी नी दा पानी दारे पसारे बाबानी बानी रे बाबा पानी दारे नी दा मोड़ी दानी दारे बाबानी बानी बाबानी बाबानी दानी रे दाव हमारे कहते हैं बुनियाने साध तू विद्या लगन दर सुर सुर सदले सुनो मेरा नहीं स्पीड भी नहीं होगा सुनो जो भी जो इच्छा सरगम आकार जो तुमको आता है और गलती हो गई तो कान पकड़ के माफ मांगना पड़ेगा अरे दामरे दंडे दाओ Sare samare dani dani ma samare dani dama ma dani dani ma sare bama dani dani dama sare bani dama dani dama ma ma sare ma bama dani ma bani bani dani ma bani bani dani dama bani bama dani dani sore sore sare ma bani dani dani sare ma bani dani dama ma dani dama ma dani dama sare ma sare dani ma dani ma sare ma sare dama bama dani dao ba 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 ma 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 sure sure le dare ma 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 ni ni ma ma de da ma 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 ni ni ma ni ni ma ma de da ma 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 de da ni ma ni ni ma 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 ni ma ni ma ma ni ma ma de da sure sure le dare sure sure le dare
sure de dare le तो आप लोगों में कब मैं सुनूंगा डेट दीजिए क्योंकि ये हमारे श्रीमती भल्ला जी जो बैठी है ये आप लोगों की सक्सेस के लिए ये किया है तो आप लोगों में कौन कौन सुनाएंगे डेट टाइम और नाम हमारे पास भेज देना इनको स्टैंडिंग ओवेशन दीजिए नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं ये सब दोनों को ही हर गुरु का तो है ही सब कुछ